आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियों ने कमर कस ली है। नेता से लेकर अभिनेता सभी चुनावी मैदान में अपना पैर जमाना चाहते हैं। इस बीच खबर है कि बीजेपी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को भी लोकसभा चुनाव का टिकट देने जा रही है। क्रिकेट के मैदान के बाद अब शमी चुनावी मैदान में भी अपना जलवा दिखाएंगे। भाजपा नेतृत्व पश्चिम बंगाल से क्रिकेट स्टार मोहम्मद शमी को चुनावी मैदान में उतारने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए खेलते हुए शमी ने एक तेज गेंदबाज के रूप में राष्ट्रीय ख्याति हासिल की और वो अब भी बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। सूत्रों का मानना है कि बीजेपी नेतृत्व पहले ही इस प्रस्ताव के साथ मोहम्मद शमी से संपर्क कर चुका है। हालांकि अंतिम फैसला शमी को ही लेना है, जो फिलहाल सर्जरी होने के बाद क्रिकेट से ब्रेक पर है। बशीरहाट से लड़ सकते हैं मोहम्मद शमी चुनाव। बीजेपी के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि मोहम्मद शमी को आगामी लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया था और चर्चा सकारात्मक रही। बीजेपी के करीबी सूत्रों में ये भी चर्चा थी कि शमी को मैदान में उतारने से बीजेपी को बंगाल में अल्पसंख्यक सीटों पर जीत मिल सकती है। भाजपा सूत्रों के अनुसार बीजेपी शमी को बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारना चाहती है। ये निर्वाचन क्षेत्र अभी बहुत संवेदनशील है। जिस संदेशखाली से हाल ही में महिलाओं के साथ अत्याचार के खौफनाक मामले सामने आए हैं, ये बशीरहाट सीट में ही आता है। इस निर्वाचन क्षेत्र में अल्पसंख्यक वोटों की संख्या सर्वाधिक है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि शमी को मैदान में उतारना पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक होगा, क्योंकि वो अब भारतीय क्रिकेट के ट्रेंडिंग हीरो में से एक है। विश्व कप में शमी ने किया था दमदार प्रदर्शन। पिछले साल हुए विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले शमी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 33 साल के शमी ने विश्व कप में कुल 7 मैच खेले और 24 विकेट झटके। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले सेमीफाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन कर 57 रन देकर 7 विकेट झटके थे, जो कि 50 ओवरों के विश्व कप इतिहास में किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ विकेट रिकॉर्ड है। शमी ने इस टूर्नामेंट में 3 बार 5 विकेट लिए। इसके बाद सीएम योगी ने शमी से मुलाकात की थी। उन्होंने घोषणा की थी कि शमी के पैतृक गांव अमरोहा में एक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब फाइनल हारने के बाद टीम के सदस्यों से मुलाकात की, उस समय भी उन्होंने शमी को सांत्वना दिया। क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में गए तो उन्होंने शमी को गले लगाया था, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। शमी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। इसके अलावा हाल ही में पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर शमी की सराहना की थी। उन्होंने शमी की सर्जरी के बाद उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इसके बाद शमी ने पीएम को धन्यवाद भी अदा किया था।